जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल में। जो हमारा कोर्स है, क्रैश कोर्स है फॉर MA MSc ज्योग्राफी 2021। इस टेस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले, जो अभी आपका इस वीक हुआ है, उससे पहले आपसे मैं एक अपने क्रैश कोर्स के बारे में हम लोग बताना चाहेंगे। तो जो क्रैश कोर्स है वो आपको बहुत सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएगा। अलग हमारा जो क्रैश कोर्स है वो हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इन सब के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। और भी नए सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए लॉन्च होने वाला है, ठीक है। आपका साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, तो ये सब आपके क्रैश कोर्स हैं। ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो आपको ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, थी लाइव क्लासेस होंगी आपकी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मैपिंग सेक्शन होगा, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे जहाँ पे जो एंट्रेंस होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के उनके भी होंगे, प्लस नेट JRF से भी क्वेश्चन होंगे आपको। वीकली टेस्ट होंगे आपके जो हमारे चल भी रहे हैं, जैसे ये एक टेस्ट है आपका, आपको एक टेस्ट पहले भी वीडियो आपको YouTube में मिला होगा। देन यू हैव द डाउट सेशंस। ओके, फीस की बात करें तो आपका जो फीस है वो अभी आपको सिर्फ 199 रुपीज़ देने होंगे, ठीक, 1999। लेकिन अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं, जब टाइम कम होगा, तो आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। और हमारा कोर्स एक 21 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था ज्योग्राफी का, लेकिन जो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं या एनरोल नहीं कराए हैं, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि हमारा कोर्स एक नया लॉन्च होगा और ये कोर्स भी रिन्यू होगा, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लें, ठीक। यहाँ पे आपको सब डिटेल दिया है कि आपका AIHC, संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ये सब के भी आपको कोर्स मिल जाएंगे। तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये जो आपके नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट 3 है, तो जहाँ पे आपका 30 क्वेश्चन हैं और 30 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेदरिंग इज जनरली डोमिनेंट इन ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय में कौन सी वेदरिंग डोमिनेंट है, तो ऑप्शन है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, स्क्रेप फॉर्मेशन, एक्सप्लॉयेशन एंड ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो ये मैंने आपको वेदरिंग एंड इरोजन में बताया था। तो जो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है ये ग्रेटर हिमालय में डोमिनेंट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सेकेंड, यू हैव द ग्राफ यूज टू शो द प्रपोर्शन ऑफ सर्फेस एरिया रिप्रेजेंटिंग एलिवेशन अबव और बिलो डेटम। मतलब आपको माउंटेन भी शो करना है और ओशियन ट्रेंच, तो इसके लिए कौन सा ग्राफ है, ये हम मैंने बताया आपको ओशनोग्राफी में। तो ऑप्शन है एल्टीमेट्रिक, फ्लूवियोमेट्रिक, मॉर्फोमेट्रिक या हिप्सोमेट्रिक। तो इसका सही आंसर है वो है हिप्सोमेट्रिक कर्व। इसमें आप ग्राफ भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका हिप्सोमेट्रिक कर्व है, ठीक, जहाँ पे ये कंटिनेंटल स्लोप, यहाँ पे आपको माउंटेन, ये कंटिनेंटल स्लोप सब चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन रैपिंग इज प्रोड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो डाउन रैपिंग है ये अर्थ मूवमेंट में बताया था किस लिए होती है। पहला ऑप्शन है क्रिस्टल फ्रैक्चर, क्रिस्टल बेंडिंग, सबमर्जेंस, इमर्जेंस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्रिस्टल बेंडिंग। देन इन अ फोल्ड इफ बोथ लिम्स आर पैरेलल एज वेल एज हॉरिजेंटल, मतलब ये फोल्ड्स टाइप ऑफ फोल्ड पढ़ा था हम लोग ने, तो इसको काफ़ी हाईलाइट करके भी मैंने बार बार बताया था। तो जो जब लिम्स पैरेलल और हॉरिजेंटल दोनों हों, ठीक, तो इसको कौन सा लिम पैरेलल फोल्ड है, ये ऑप्शन आइसोक्लाइन, रिकम्बेंट, ओपन या क्लोज। तो इसका सही आंसर है आपका रिकम्बेंट फोल्ड, ठीक, जिसको बताया था इसके, और इसमें कंप्रेशन लगने के कारण आगे चल के ये नेपेस बनता है, ये ब्रेक हो जाता है, फिर नेपेस का फॉर्मेशन होता है। देन यू हैव द कंस्ट्रक्टिव मार्जिन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन बतानी है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब प्लेट डाइवर्ज कर रही हैं और कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो पहला है यूराल माउंटेन, मरियाना ट्रेंच, इंडो गैंगेटिक प्लेन या मिड अटलांटिक रिज। तो सही ऑप्शन है मिड अटलांटिक रिज।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सरकम पैसिफिक वॉल्केनिक बेल्ट। तो सरकम पैसिफिक वॉल्केनिक बेल्ट का यही टेस्ट का फायदा है। देखो एक एक चीज़ तो नहीं बताया जा सकता है क्लासेज में कि एक एक वॉल्केनो के बारे में बताया, बट टेस्ट के दौरान हमें इस तरह की चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बताया, मैंने बताया है आपको सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में, पर सारी वॉल्केनोज बताना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इससे देखो क्या है, कौन सा पार्ट नहीं है सरकम पैसिफिक का। पहला ऑप्शन है एल्यूशियन आइलैंड, मिंडानो आइलैंड, अजोर्स आइलैंड, सकालिन आइलैंड। तो ये आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। मैंने अजोर आइलैंड के बारे में बताया जो कि आपका अटलांटिक में है, ठीक। तो इस मतलब ये पैसिफिक में नहीं है, तो ये तीनों पैसिफिक में ही होंगे, ठीक। तो इसका मतलब अजोर्स आइलैंड है वो सही आंसर है, मतलब इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सरकम पैसिफिक ओशनिक बेल्ट। जैसे अभी मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एल्यूशियन ट्रेंच है, ठीक है, और भी बहुत सारी, यू हैव फिलिपिन ट्रेंच, यू हैव चैलेंजर डीप, यू हैव टोंगा ट्रेंच, कैमेडेक ट्रेंच, ओके, तो इस पेरू चिले ट्रेंच। तो ये सब चीज़ें हैं रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन पे। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सेंट हेलेन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो माउंट सेंट हेलेन है ये कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन USA, जावा सी, अंडमान सी और एजियन सी। तो इसका सही आंसर है दैट इज USA। अगर आप देखेंगे मैप पे, इसी मैप पे अगर आप देखेंगे, ठीक, ये आपको USA में देखना है। तो ये माउंट सेंट हेलेन दिखा रहा है ना USA में, तो माउंट सेंट हेलेन इज लोकेटेड इन USA। नेक्स्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट कैसे बना है, आइदर इट इज वेनियॉफ जोन, वेनियॉफ जोन है नहीं, ठीक, ये नहीं होगा। देन यू हैव द कंस्ट्रक्टिव मार्जिन ऑफ द प्लेन, क्या ये कंस्ट्रक्टिव मार्जिन के कारण बना है, नहीं। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन के कारण नहीं, इट इज द सैन एंड्रियास फॉल्ट इज फॉर्म ड्यू टू द कंजर्वेटिव मार्जिन ऑफ द प्लेट, या ट्रांसफॉर्म जिसको कहते हैं। तो सही ऑप्शन है डी। यहाँ पे देखेंगे सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक, ये कैलिफोर्निया, ये पूरा आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है दैट इज सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कैलिफोर्निया के पास से होते हुए जा रही है, ठीक। ये आपकी रिजेज हैं, जॉन डिफुका रिज है ये आपका, ठीक, यहाँ पे। देन नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, यू हैव द जियोमॉर्फिक हजार्ड ऑन द लेफ्ट एंड द एरिया ऑफ अक्रेंस। तो बताना है फॉल्टिंग के कारण क्या हुआ है, वोल्केनिसिटी। सो फर्स्ट फॉर फॉल्टिंग यू हैव द कैलिफोर्निया अर्थक्वेक, मतलब फोर्थ ऑप्शन। देन यू हैव द वोल्केनिसिटी, ठीक, आपका जो वोल्केनिसिटी है, फिर है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, देन यू हैव द प्लेट मूवमेंट। तो जो गुजरात है ये आपका प्लेट मूवमेंट के कारण है, ठीक है, और वोल्केनोसिटी है और हाइड्रो स्टेटिक है। सो यू हैव क्रकाटोआ एंड ग्रीस अर्थक्वेक। सो ऑप्शन देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन है 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, अ हेलो क्लाइंट रिफर्स, जो हेलो क्लाइंट है ये आपको सबको पता है, मैंने ओशिनोग्राफी में बताया था आपको तीन, थर्मोक्लाइन, ठीक, हेलो क्लाइंट एंड पिंकोलाइन, तीनों चीज़ें बताई थी जो सेम ही लेयर हैं पर अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो जो हेलोक्लाइन है ये आपकी किस लिए होती है, इट इज़ फॉर आइदर, ये डेंसिटी के लिए नहीं, डेंसिटी के लिए होती है पिनकोलाइन, ठीक, सेलिनिटी के लिए, हाँ हेलोक्लाइन है वो सेलिनिटी के लिए है, टेम्परेचर के लिए थर्मोक्लाइन है। तो सही ऑप्शन क्या है, सेलिनिटी। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ डीप इन रेफरेंस टू रेफरेंस ऑफ स्ट्राइक इज ऑलवेज एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। मतलब स्ट्राइक और डीप में कितना एंगल बनता है, दैट इज राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये स्ट्राइक है हॉरिजेंटल और ये 90 डिग्री पे बन रहा है ये आपका डीप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ द अर्थ। लार्जेस्ट मतलब अर्थ में किस हिस्से में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमोसफेयर। तो आपको पता है एटमोसफेयर में कितना ऑक्सीजन है, दैट इज़ नियर अबाउट 21% समथिंग, ठीक है, लेकिन लिथोस्फेयर में बताया था मैंने मेंटल होल क्रस्ट और इसमें दैट इज़ अबाउट 46 point समथिंग, मतलब अबाउट 50%। तो सही आंसर है दैट इज़ लिथोस्फेयर। नेक्स्ट, यू हैव टू स्टेटमेंट्स assertion एंड आर इज फॉर रीजन। तो पहला क्या कह रहा है, हायर सेलिनिटी इज़ फाउंड बिटवीन 20 degree 40 degree latitude।
तो जो मैक्स हाई सबसे ज़्यादा सेलिनिटी है वो इस रीज़न में पाई जाती है। यस ये सही है आपका, क्योंकि आपका गर्मी है ज़्यादा है, ठीक यहाँ पे रेनफॉल कम है, ठीक टेम्परेचर भी ज़्यादा और रेनफॉल भी कम, तो ये इसका कारण है। अब रीज़न क्या बता रहा है, सेलिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द मिड लैटिट्यूड टू द हाई लैटिट्यूड। ये सही है कि मिड लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड के ओर जाने पे सेलिनिटी घटती है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। इसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेसिपिटेशन। तो बोथ आर करेक्ट बट बी इज आर इज़ नॉट द ट्रू एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देन यू हैव द ओशियन रिलीफ एंड ओशियंस, आपको ओशियन रिलीफ को ओशियन से मैच करना है। तो सोकोत्रा चागोस जो रिज है ये कहाँ है, इट इज इन इंडियन ओशियन। देन यू हैव पहला क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। फिर देखते हैं, इसको छोड़ते हैं, स्पिट्सबर्गन को मिड अटलांटिक पे आते हैं। जैसा नाम है मिड अटलांटिक, तो ये कहाँ पे होगा, नॉर्मल सी बात है अटलांटिक पे ही। तो इसका हाँ इसका है आपका इंडियन ओशियन, दैट इज सेकंड। फिर छोड़ते हैं, फिर मिड अटलांटिक कहाँ है, अटलांटिक में थर्ड। और कोकोज रिज कहाँ पे है, ये है पैसिफिक, दैट इज फोर। तो आपका मिड अटलांटिक कहाँ, सॉरी स्पिट्सबर्गन कहाँ होगा, ये होगा आर्कटिक पे। तो ऑप्शन 2, 1, 3, 4, सो यू हैव ऑप्शन लास्ट डी इज़ द करेक्ट वन, 2, 1, 3, 4। इधर इमेज में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को, ठीक। आप देख सकते हैं अलग अलग ट्रेंचेस दी हुई हैं, कहाँ पे कौन सी हैं, तो ये चीज़ें आप इससे देख सकते हैं। ये जैसे मिड अटलांटिक रिज दिखा रहा है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ट्रोपोग्राफिकल फीचर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इरोजनल प्रोसेस। इरोजनल प्रोसेस ये मैंने बहुत बार बताया है आपको लैंडफॉर्म पढ़ाने में, कि आपको याद रखना है कौन सा इरोजनल है, कौन सा डिपोजिशनल है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। तो इरोजनल कौन सा है देखते हैं। पहला ऑप्शन है एस्कर्स, फ्योर्ड्स, वी शेप वैली एंड शीप। तो जो इसमें एस्कर्स है ये आपका इरोजनल नहीं डिपोजिशनल है, तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। देन सर्क एरिड, सर्क आपका क्या है, इरोजनल है, ग्लेशियल में एरिड भी इरोजनल है, प्लाया भी इरोजनल है और स्टैग भी इरोजनल है। तो सही ऑप्शन है बी। अगर आपको नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। अब जैसे इसमें दिया है मोरेन, ठीक, तो मोरेन क्या है, मोरेन है, बार्कन है, पिनेकल है, वेव प्लेटफॉर्म। तो इसमें जो ये सब बार आपका मोरेन है ये क्या है, डिपोजिशनल है, लेवीज है ये भी डिपोजिशनल है, तो ये नहीं बन होंगे, ठीक। तो ये ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल अपॉन विच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट, मतलब मेंटल का वो हिस्सा जिस पे क्रस्ट फ्लो कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्थिनोस्फेयर, दैट इज ऑप्शन डी। एस्थिनोस्फेयर क्या है, मेंटल का लिक्विड पार्ट है जिस पे क्रस्ट फ्लो कर रही है। इमेज पे देखेंगे, ये मैंने आपको, ये मेरा जो मैंने बनाया है इमेज उसमें आपको दिखाया था कि ये मेंटल है, जैसे इसका जो अपर पार्ट है ये एस्थिनोस्फेयर, इसी में क्रस्ट फ्लो कर रही है। देन यू हैव द क्वेश्चन, द टू साइकिल थ्योरी ऑफ ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइम स्टोन कैवर्न। जो लाइम स्टोन कैवर्न पे थ्योरी है वो किसने दी है, उसके ओरिजिन पे। सो जो टू साइकिल थ्योरी है ये आपकी डेविस ने दी है, ओके। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण कौन बनी, हैंगिंग वैली कैसी बनी है, ये आपकी इरोजनल है, ठीक है, ये ग्लेशियल में बन रही थी हैंगिंग आपकी हैंगिंग वैली, ठीक है। फिर यू शेप्ड वैली भी ग्लेशियल में बन रही थी, ये भी इरोजनल है। ब्लाइंड वैली ये कहाँ बन रही थी, कास्ट टोपोग्राफी में, ये भी आपका टेक्टोनिक के कारण नहीं है, ये सब इरोजन के कारण है। देन यू हैव द रिफ्ट वैली, जो रिफ्ट वैली है जैसे मैंने बताया था, ये जो बन रहा है ग्रेबन, और तो इसको कहते हैं ये रिफ्ट वैली, ठीक। तो ये है आपकी टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण बनती है, फॉल्ट के कारण। देन कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, मैंने पांचों डिसकंटिन्यूटी पढ़ाई हैं, तो सबसे पहली है कॉनराड। तो कॉनराड किसके बीच पाई जाती है, मैंने बताया था अपर लोअर क्रस्ट में, तो दैट इज सियाल एंड सीमा के बीच में, ठीक। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एसोसिएटेड विद क्रेटॉन्स, तो क्रेटॉन से कौन सा रॉक संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, कॉन्ग्लोमरेट, स्लेट और फाइलाइट। सो क्रेटॉन इज रिलेटेड विद द इग्नियस रॉक ग्रेनाइट। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ जियो सिंक्लाइन वॉज प्रोपाउंडेड बाई, जो जियो सिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डू। जो जियो सिंक्लाइन का सिद्धांत है वो किसने दिया है, पहला ऑप्शन है होम्स,
जेम्स हटन, हाल एंड दाना, जे डब्ल्यू पॉवेल. तो द करेक्ट आंसर इज हाल एंड दाना. देन गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. तो जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है ये किसके बीच में है? सो ऑप्शन है क्रस्ट एंड मेंटल. ठीक है, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, देन मेंटल एंड कोर, अपर कोर एंड लोअर कोर, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. करेक्ट आंसर इज गुटेनबर्ग इज बिटवीन, रिचर्ड गुटेनबर्ग इज बिटवीन मेंटल एंड कोर. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैन प्लेन. जो पैन प्लेन का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया? ये मैंने आपको सब बताया था कि पैडी. ठीक, तो ये इसमें पैन प्लेन में बताया था क्रिकमे के. इसका सही ऑप्शन है क्रिकमे. ओके, देन नेक्स्ट यू हैव द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन ऑन एन इंक्लाइन रॉक स्ट्रेटा स्टम्प डैश. तो हॉरिजेंटल लाइन का जो होती है आपकी स्ट्राइक और डिप में, तो हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है? दैट इज स्ट्राइक. तो हॉरिजेंटल लाइन कौन सी है? वो है स्ट्राइक. तो सही ऑप्शन है स्ट्राइक. इसका ऊपर इमेज भी देखा था कि आपका कुछ ऐसा बना था एक इधर रॉक. तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन थी ये स्ट्राइक है, और ये जो परपेंडिकुलर थी इसके वो है डीप. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज द प्रोपाउंडर ऑफ टर्बिडिटी करंट थ्योरी. तो टर्बिडिटी करंट थ्योरी है जो सबमरीन करंट कैनन के ओरिजिन से संबंधित है. तो इसको किसने दिया है? पहला ऑप्शन है सेलिन, ग्रिगोरी, डेली या हैरिहेन. तो इसका सही आंसर है वो है डेली. नेक्स्ट, पैटरनोस्टर लेक के बारे में सबको पता है. पैटरनोस्टर लेक क्या होता है? ऑप्शन लेक्स फॉर्म्ड ऑन ग्लेशियल स्टेयरवेज, लेक्स हैविंग वॉल्केनिक ऑरिजिन, लेक्स आर फॉर्म्ड बाय शैलो ट्रंच ऑफ वाटर कॉज्ड बाय सी इरोजन, क्रिशेंट शेप लेक्स. तो इसका सही ऑप्शन है लेक्स फॉर्म्ड ऑन ग्लेशियल स्टेयरवेज. क्लास के दौरान मैंने आपको कुछ इस तरह के इमेजेस दिखाए थे. ठीक, ऐसे कुछ इमेजेस. तो ये जो है ये यही आपकी पैटरनोस्टर लेक है जो स्टेयर वाइज बनती है. इमेज पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक स्टेयर, ये उससे नीचे लेवल पे, ये उससे नीचे. तो ये लेक्स हैं, दिस आर कॉल्ड पैटरनोस्टर लेक. सो द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, ये किसका फ्रेज है? द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट. तो पहला ऑप्शन है आइसोस्टेसी, डायस्ट्रोफिज्म, प्लेट टेक्टोनिक और यूनिफॉर्मिटेरियनिज. तो इसका सही आंसर है यूनिफॉर्मिटेरियनिज. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लेट. आपका फिर से सैन एंड्रियास फॉल्ट पूछ लिया, वही कैलिफोर्निया पे जो अभी दिखाया था मैंने, जो आपका कंजर्वेटिव के कारण बन रहा था. अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल पे जा रहा है. तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद सिनिस्ट्रल मोशन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद डेक्स्ट्रल मोशन, डाइवर्जेंट बाउंड्री विद सिनिस्ट्रल, डाइवर्जेंट बाउंड्री विद डेक्स्ट्रल. तो इसका सही आंसर है ट्रांसफॉर्म, मतलब वही कंजर्वेटिव, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री विद डेक्स्ट्रल मोशन. लेफ्ट और राइट जो मोशन होते हैं, लेफ्ट हुआ तो सिनिस्ट्रल, राइट हुआ तो डेक्स्ट्रल. तो सही ऑप्शन है बी, डेक्स्ट्रल मोशन के कारण. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द करेक्ट वन इन अ लिटोरल जोन फ्रॉम लैंड टू सी. ये मैंने ओशनोग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, और बहुत ईजी तरीके से याद करने के लिए बताया था कि शोर को अरेंज करने आता है. पहला ऑप्शन है बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर एंड ऑफ शोर. तो यही इसका सही आंसर है. इसमें सबसे पहले बी, ठीक है, बी, देन एफ, देन एन, देन ओ. मतलब जिस तरह अल्फ़ाबेट जिस सीरीज में आते हैं वही ये भी आएंगे. बी सबसे पहले आता है तो बी, फिर एफ आता है तो एफ, एन, देन एन, ओ, फिर ओ. सो दिस इज द सीक्वेंस. इमेज पे देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बैक शोर, लैंड से सबसे पहले बैक शोर मिलेगा, फिर फोर शोर, फिर नियर शोर एंड देन ऑफ शोर. ठीक, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द नाज़का प्लेट इज मूविंग. तो नाज़का प्लेट है जो अभी आपको ऊपर बताई मैंने, तो जैसे कॉकस प्लेट है, यू हैव नाज़का प्लेट, तो ये किस दिशा में मूव कर रही है? सो नाज़का प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, इन ईस्ट डायरेक्शन. मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनर प्लेट्स दी हैं, दिस इज जुआन डे फुका प्लेट, ठीक है, ये कॉकस प्लेट है, ये आपकी नाज़का प्लेट है जो कि ईस्टवर्ड मूव कर रही है. ठीक, ये आपकी स्कॉटिया प्लेट है, यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, यू हैव कैरेबियन प्लेट, यू हैव फिलिपिन प्लेट, यू हैव अरेबियन प्लेट. सो दीज आर द प्लेट. तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? यू हैव नाज़का प्लेट के बारे में. तो नाज़का प्लेट का लोकेशन देखिए कहाँ पे है, ऑन द वेस्ट ऑफ सदर्न साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, एंड इट मूव टूवर्ड द ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, पूर्व की तरफ. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन वी हैव यू हैव अटेम्प्टेड इन द टेस्ट 3 ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चन फ्रॉम ओशनोग्राफी, ओके, इन द कमिंग संडे. सो दैट्स इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.